अभी हाल ही में हमने देखा था, बहुत सा मामला सामने आया था, तो कुछ बुजुर्गों ने, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप लोग जो करते हैं कुछ बात तो समझ में आती है लेकिन कुछ बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। उनका वैसे क्या, कौन सा भाई? अभी तवाफ जो करते हैं वो एकदम सरासर गलत है, तवाफ जो करते हैं वो एकदम गलत है, कहाँ कहीं से साबित नहीं है। इस पर बात भी हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हल्का सा जवाब उनको हम ये देना चाहेंगे, आप लोग भी मौजूद हैं इसको सुन लिया जाए, कि तवाफ आज से नहीं चल रहा है जनाब। तवाफ तो बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, मक्का में भी तवाफ हो रहा है। आज हज के दौरान जितने भी लोग हाजी जाते हैं सब तवाफ करते हैं, और आपको जान करके बड़ी हैरत होगी, बहुत हैरत होगी जान करके कि काबा शरीफ के बगल में जो हतीम नाम का इलाका है, जो काबा के बाउंड्री के अंदर आता है, काबा का चार दीवारी के बगल में जो खाली जगह है उसका नाम है हतीम। उसी हतीम में हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल का कब्र है। अगर उस कब्र पर चढ़ करके हाजी लोग तवाफ करते हैं तो जरूर कब्र का तवाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन उस कब्र को साथ में लेकर के हाजी लोग तवाफ करते हैं तो वहाँ से सबसे पहला दलील ये साबित होता है कि कब्र का भी तवाफ जायज हो गया है। दूसरा दलील ये है हमारा कि खुद अब ये साबित हो चुकी है बात कि काबा शरीफ भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र की तवाफ आप करते हैं तो आपके लिए जायज़ है, हमारे लिए, हम अपने दादा हुजूर अपने पीर मुर्शिद का तवाफ करते हैं तो हमारे लिए गलत कैसे हो गया। अब आइए इसी सवाल का चौथा दलील हम आपको देते हैं। ये तो शहरी एतबार से हो गया, तरीकती एतबार से जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसके चारों तरफ घूमता है, जैसे मजनू लैला के घर के चारों तरफ तवाफ करता था, तरीकती दलील हम आपको दे रहे हैं, ऐसे नहीं समझिएगा तो वैसे समझिए। अब नंबर पाँच दलील हम देना चाहेंगे, उसके बाद अगर ये बात गलत होती तो बड़े बड़े औलिया इकराम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम सरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह कभी अपने आस्थाने पर घूमने वाले लोगों को छूट नहीं दिए होते और ना ही किसी तरह की इजाज़त दिए होते, लेकिन ना हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जो है बंद करने का ऑर्डर दिया, ना हजरत वारिस अली शाह ने ऑर्डर दिया, और ना ही आज के डेट में किसी ने ऐसा, यहाँ तक कि हमारे दादा हुजूर ने भी ऐसी कोई वसीयत नहीं की जिससे यह साबित हो सके कि मेरे कब्र के चारों तरफ मत घूमना। क्या और कुछ दलील चाहिए आपको? अगर इसके बाद भी बात नहीं हजम होती है तो सबसे छठी और असली दलील ये है, ये हमारी मर्जी है, हम चाहे जैसे घूमें आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि ये हिंदुस्तान है। अगर आपको लगता है कि हम मजार के चारों तरफ घूम करके शिर्क बिद्दत कर रहे हैं तो आपको उससे क्या, मेरा अमल हमारे साथ है। आप कुफर का फतवा लगाते हैं तो लगा दीजिए, इससे हमको कुछ फर्क होने वाला नहीं है, भारत का कोई कानून हमको अपने काम से नहीं रोक सकता है। और कुछ दलील देने की हमको लगता है ज़रूरत इस मौजू पर नहीं है, हम लोगों को तवाफ भी करना है, हम लोगों को चादर भी चढ़ाना है, हर मौजू पर दलील मौजूद है और जब भी मौका मिलेगा कुरान हदीस की रोशनी में इस पर बात हो जाएगी। सुभान अल्लाह।